उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोंडा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णवर्धन सिंह राजा भैया के आकस्मिक जो है निधन हो गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे जिले समेत उनके जितने चाहने वाले लोग थे वो गम में डूब गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से दुखद जो खबर आई है ये सामने आई है। आपको बता दें कि कृष्णवर्धन सिंह राजा भैया के जो खबर आई है वो सामने आई है, और बताया गया है कि राजा भैया के चचेरे भाई की आकस्मिक जो है वो मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही भाजपा कार्यकर्ता जो हैं और समर्थक जो हैं उनमें शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। उनके अंतिम दर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ता समर्थक कृष्णवर्धन सिंह के घर पहुंच रहे हैं, और जो आसपास के बाजार हैं वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। परिजनों को मिली जानकारी के मुताबिक रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। सुबह काफ़ी देर तक कमरा जब नहीं खुला, परिजनों ने आवाज़ लगाई उसके बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। घर वालों ने किसी अनहोनी की आशंका जो है वो जताई। परिजनों ने बाद में दरवाज़ा तोड़ के अंदर पहुंचे तो विक्रम सिंह अचेत अवस्था में अपने कमरे में पड़े हुए थे। परिजन आनंद फानंद ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक के कारण हुई है। और आपको बता दें कि जो कुंवर विक्रम सिंह है ये मनकापुर नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2017 में गौरव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और उनका परिवार राजघराने से संबंध रखता है। वो मंगल भवन के मालिक थे। और जो एक जानकारी आई है वो बड़ी जानकारी आई है, राजा भैया जो बीजेपी के सांसद हैं गोंडा से, उनके चचेरे भाई की हार्ट अटैक के कारण से आज मौत हो गई है। और जिनकी मौत हुई है उनका नाम कुंवर विक्रम सिंह है, और कुंवर विक्रम सिंह की हार्ट अटैक के कारण से मौत हुई है ये जानकारी मिली है। जब सुबह लोगों ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जब वो नहीं बोले, उनकी कोई आवाज़ सामने नहीं आई, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया, लोग गए और जब देखा कि वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, लोगों ने जो उनके परिवार के लोग थे जो आसपास के लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब इनके शरीर में जान नहीं है, उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हार्ट अटैक बीजेपी के गोंडा से।